अपनी तेज तर्रार यॉर्कर गेंदबाजी से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों के नाक में दम करने वाले मलिंगा का जलवा अब वनडे फॉर्मेट में नहीं दिखाई देगा। इस तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच खेलने के साथ ही वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि उनका ये आखिरी वनडे मैच भी कई मायनों में यादगार और उपलब्धियों से भरा रहा। श्रीलंका ने न सिर्फ 91 रनों से शानदार अंदाज में जीता बल्कि उन्हें जीत की खुशी के साथ शानदार विदाई भी दी। वहीं बात करें उपलब्धियों की तो मलिंगा के नाम वनडे मुकाबले में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 38 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसी के साथ उन्होंने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप 10 गेंदबाजों में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने भारत के पूर्व लेग स्पिनर और पूर्व कप्तान रह चुके अनिल कुंबले को पछाड़ते हुए नवा स्थान हासिल किया। कुंबले ने वनडे करियर में 338 विकेट हासिल किए थे, वहीं मलिंगा के नाम अब 339 विकेट हो गए हैं और इसी के साथ उनका वनडे करियर भी खत्म हो गया है। अपने 15 सालों के शानदार वनडे करियर के दौरान उन्होंने कुल 226 मुकाबले खेले। इस दौरान उन्होंने 8 मौकों पर 5 या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए। श्रीलंका के इस यॉर्कर किंग ने एक बार 4 गेंदों पर 4 विकेट और 2 बार हैट्रिक लेने का अनोखा कमाल किया हुआ है। बात करें मलिंगा के टेस्ट करियर की तो उन्होंने 30 मैचों में 3.85 की इकोनॉमी रेट से 101 विकेट हासिल किए हैं। 35 साल के मलिंगा ने भले ही टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन T20 फॉर्मेट में फैंस को उनकी गेंदबाजी देखने का जलवा अभी मिलेगा, क्योंकि वो साल 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक T20 फॉर्मेट खेलेंगे। ऐसे में फैंस को यही उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी की है, वैसे ही आगे आने वाले T20 फॉर्मेट में भी वो अपनी गेंदबाजी का धार दिखाएंगे और टीम को कई सफलताएं दिलाएंगे।